मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम जर्नी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉक टीयर डक्ट के ऊपर। अब ये ब्लॉक टीयर डक्ट है क्या? अक्सर हम न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, उनकी आंखों में से आंसू आते रहते हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है? हम पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि बेबी तो नॉर्मल था, अभी इसको आंसू कैसे आने लग गए, इतनी एक्सेसिव वाटरिंग हो रही है। या हम अब सो के उठे हैं सुबह तो देख रहे हैं कि बेबी की आईज हैं जो उनकी पलकें हैं वो चिपकी हुई हैं, या उसमें गंक जिसे वो बोलते हैं कीचड़ आ रहा है आँखों में, हरा पीले कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, ये सब समस्या हो रही है उसके साथ में। तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं बच्चे की ऐसी आंख देखकर कि अरे इसको क्या हो गया, इसकी आंखों में क्या समस्या है, किस वजह से आंख चिपकी हुई है या इतना पानी क्यों आ रहा है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है, मैं इसके बारे में बात करूंगी। ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें, इसको मेडिकल टर्म में बोला जाता है नेसोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, या आप जानते होंगे इसको नॉर्मली भाषा में बोल लेंगे तो ब्लॉक टीयर डक्ट। अब ब्लॉक टीयर डक्ट होता क्या है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है, हमारे हम देखते हैं हमारे जो आँखों में आंसू बनते हैं नॉर्मली नमी बनाए रखने के लिए, हमारी आंखों में एक टीयर फिल्म हमेशा बनती रहती है टीयर ग्लैंड्स के कारण। तो क्या होता है पेरेंट्स, नॉर्मली हम ज़्यादा अगर इमोशनल हैं, हमें रोना आ रहा है तो हमारी आंखों में आंसू बनते हैं, जो आंसू एक्स्ट्रा होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और कुछ होते हैं कि आंखों से पानी हमारे जो आँख का ये छेद होता है उसमें से नाक में आ जाता है। आपने देखा होगा हम रोते हुए हमारी नाक में से पानी भी आने लगता है, या ऐसा कुछ करते हैं हम लोग, तो वो इसी की वजह से होता है। जो कि आंखों में आंसू एक्स्ट्रा बन गए थे वो अब अश्रुवाहिनी नलिका है इसके जरिए हमारी नाक में आ गए थे। अब क्या होता है, जब ये अवरुद्ध हो जाती है वाहिनी आंखों वाली या डक्ट ब्लॉक्ड हो गई है, तो वो जो टीयर अब नाक में जा रहे थे अब वो बाहर आने लग गए हैं या वो आंखों में भर जाते हैं। तो अब होता क्या है, यही होता है न्यूबॉर्न बेबीज के साथ, कि न्यूबॉर्न बेबी के साथ क्या होता है, उनकी हर चीज़ डेवलप हो रही होती है मदर के वॉम में भी और बाहर आकर भी। तो उनके कुछ बॉडी पार्ट्स हैं जो पूरी तरह से अगर माँ के गर्भ में वॉम में डेवलप नहीं हो पाए हैं, लाइक यही ले लीजिए कि टीयर डक्ट जो होता है अगर वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया है उसके कारण ब्लॉकेज हो जाता है बच्चों में, वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन आपके ही पास है। जी हाँ, हम पेरेंट्स से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, घर पर ही आप इसका एक उपचार कर सकते हैं। मैं आपको वो उपचार बताऊंगी, उसका ट्रीटमेंट क्या करना है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। पहले मैं आपको बताऊंगी ब्लॉक टीयर डक्ट के क्या कारण हैं। तो इसके तीन रीजंस हैं मेनली। पहला है, अगर आपके टीयर डक्ट जो है वो एब्सेंस है बोथ अपर या लोअर लिड में, आंखों में अपर और लोअर लिड दोनों में ये पंक्ता या जो अश्रुवाहिनी नलिका होती है वो मौजूद रहती है, अगर ये एब्सेंस है आपके आंख में या बेबी के आंख में तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा रीजन हो गया इसका, जो बेबी का टीयर डक्ट सिस्टम है वो बहुत नैरो है या बहुत पतला है। तीसरा रीजन है क्रूक्ड और मिसप्लेस्ड बोन। क्या होता है, बच्चे की अगर जो नेजल या जो नाक की हड्डी है वो अगर ऊपर नीचे है, मिसप्लेस्ड है, वो डेवलप नहीं हो पाई है ठीक से, तो ये भी एक कारण बनता है ब्लॉक टीयर डक्ट का। ये जो मैंने आपको कॉजेस बताए हैं, ये जो कारण बताए हैं मैंने आपको, ये रेयर केसेस में ऐसा होता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो फोर्थ मोस्ट कॉमन रीज़न है जो हम देखते हैं वो है मेम्ब्रेन का आ जाना टीयर डक्ट पे, या जो हमारी अश्रुवाहिनी नलिका है उस पर झिल्ली आ जाती है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है, आप देखेंगे बच्चे की आँख चिपचिपी है, या उसकी आँखों में हरा पीला कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, आँख में कीचड़ आ रहा है, या बच्चे की आँख से कंटिन्यूसली पानी आ रहा है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं, आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल है ऐसा। और इसका एक लक्षण ये भी हो सकता है कि बच्चे की आँख पिंकिश या रेडिश कलर की हो सकती है, उसमें स्वेलिंग हो सकती है।
ये इसके कुछ लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसके क्या ट्रीटमेंट है, क्या उपचार है जो आप घर पर कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो आपको मैं बताती हूँ। पहला क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने हैं, अच्छे से सैनिटाइज करने हैं अपने हाथ बेबी की आंख में ले जाने से पहले, और आपको नेल्स को ट्रिम कर लेना है। अपने नेल्स को बहुत छोटे छोटे काट लीजिए, नेल पेंट नहीं लगाना है आपको। तो अब आपको क्या करना है, बेबी की आंखों की मसाज करनी है। जो नॉर्मली हम करते हैं पूरी बॉडी की मसाज, वैसे ही आंखों की मसाज होती है। मैं आपको बताऊंगी इसकी मसाज कैसे करनी है। ये लिटिल फिंगर से जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको लेकर आपको यहाँ मसाज करना है बेबी की आँख में। क्या होता है, छोटा सा बेबी है, उसकी छोटी सी नोज होती है, तो ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। आईज है, कॉर्नर है, ये जो आईज का कॉर्नर है, यहाँ जहाँ ये बोन स्टार्ट हो रही है नोज की, यहाँ ये कॉर्नर है जहाँ टीयर डक्ट होता है, वहाँ ये आपको ऐसा प्रेस करना है। इतना टाइटली प्रेस नहीं करना है कि बेबी को लगे। आपको पहले क्या करना है, बेबी की गर्दन जो होती है या उसका हेड है उसको अपने हाथ में ले लीजिएगा, ताकि वो मूवमेंट ना कर पाए। वो उसका नेक का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो नेक ऐसे ऐसे कर लेगा तो हो सकता है कि उंगली गलती से उसके आँख में लग जाए। तो इस सबसे बचने के लिए आपको पहले बेबी के हेड को ऐसी पोजीशन में रखना है, उसको ऐसे पकड़ना है गर्दन को, ताकि वो एक ही स्टिल पोजीशन में रहे। फिर आप अपनी ये लिटिल फिंगर ले जाकर यहाँ कॉर्नर में जहाँ ओपनिंग होती है उसकी, यहाँ राउंड राउंड ऐसा मसाज देना है, हल्के हल्के प्रेस करते हुए, बिल्कुल भी लगना नहीं चाहिए, नॉर्मली प्रेस हो। फिर उसको धीरे धीरे डाउनवर्ड पोजिशन में आप इसको लाएंगे नीचे तक, नोज के एंड तक ये लेकर आएंगे। ये इसकी मसाज करनी है आपको दिन में 10 से 15 बार, दो दो सेकंड ऐसे प्रेस करिएगा यहाँ पे, धीरे धीरे आप प्रेस करेंगे, फिर ये नीचे लेकर आएंगे डाउनवर्ड पोजीशन में। तो ऐसा हमें दोनों आँखों के ये कॉर्नर्स से स्टार्ट करते हुए नीचे लाना है। पेरेंट्स, ये हो गया एक तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ क्या करना है। अगर आपको बेबी के आँख में इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, इन्फेक्शन के केस में आपको क्या करना है, पहले आप एक बाउल में गुनगुना पानी कर लीजिए, एकदम ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, उसमें कॉटन के बॉल्स डाल दीजिए, कॉटन बॉल्स डाल दें, उसको अच्छे से डिप करें, उसको निचोड़ लें, उसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो निचोड़ लें। फिर बेबी की आईज में ले जाकर क्या करना है आपको, इनवर्ड से आउटवर्ड ले जाना है, अंदर से बाहर की तरफ ले जाएंगे, उससे आँखों को पोंछना है, बेबी की आईज को आराम मिलेगा इन्फेक्शन के केस में। ध्यान रखना है आपको दो कॉटन का यूज करना है अलग अलग आईज पर, और एक ही बार यूज करना है। इनवर्ड से आउटवर्ड आप उसका स्पंज करेंगे और वो कॉटन को फेंक देंगे। एक से दूसरी बार वो कॉटन यूज नहीं करना है, फिर नया कॉटन लेना है, फिर आपको डिप करना है, निचोड़ना है, वही प्रोसेस अगेन यूज करना है। जैसा मैंने बताया, इनवर्ड से आउटवर्ड उसकी आंखों को पोंछना है, उसको सिकाई देनी है आंखों की, जिससे रिलीफ मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको उपचार बताए हैं, जो ट्रीटमेंट बताए हैं, वो होम रेमेडी है, वो आप घर पर भी कर सकते हैं। इन्फेक्शन के केस में क्या होता है, अगर वो घर पर ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है इन्फेक्शन, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, तभी वो डॉक्टर बताएंगे कि क्या करना है। वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या ऑइंटमेंट देंगे लगाने के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का कोर्स रहता है, वो आपको करना है, फिर बेबी आपका ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं उन 3 कारण की जो मैंने आपको बताए थे, उन केसेस में आपको ट्रीटमेंट क्या करना है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, जो भी ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आप उनके पास जाएं, वो बताएंगे आपको कि क्या करना है। उस केसेस में क्या होता है, मिसप्लेसमेंट है बोन्स का या नैरो है, तो इनमें क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर जो नेसोलैक्रिमल डक्ट नैरो है, तो उस केसेस में डॉक्टर प्रोब डाल के उसको धीरे धीरे वहाँ घुमाएंगे और उसको ओपन कर देंगे, तो ये एक ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा क्या हुआ, अगर वो क्रूव्ड है या मिसप्लेस बोन है, तो उसकी सर्जरी होती है। तो ये उसके कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो घरेलू उपचार होते हैं वो आप घर पर कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो प्लीज लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पेरेंट्स को भी, जिससे उनकी मदद हो पाए।
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो इसके लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल मॉम जर्नी।